राहुल गांधी एक ऐसे नेता जिन्हें कुछ वक्त पहले तक लोग ना समझ कहते थे। कई लोग उनकी समझदारी को लेकर मीम्स बनाते थे, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी इस यात्रा के जरिए सबका जवाब दे दिया है। दिल्ली में पहुंची यात्रा के दौरान लोगों के अंदर राहुल गांधी के प्रति दीवानगी देखी। भारत जोड़ो यात्रा एक पड़ाव पार कर चुकी है। लगातार हम भारत जोड़ो यात्रा को कवर कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। जयराम रमेश ने यात्रा के शुरुआती दिनों में कहा था कि ये असली राहुल गांधी है, और यकीन मानिए जब दिल्ली में राहुल गांधी पहुंचे उनसे मिलने के लिए लोग बेताब नजर आए। हर कोई अपने नेता को एक बार देखना चाहता था, कोई हाथ मिलाना चाहता था। राहुल गांधी की यात्रा ऐसे ही इंडिया गेट होते हुए लाल किले पर पहुंची। यहां राहुल गांधी ने अपने विरोधियों को जमकर जवाब दिया और जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा का हवाला देकर कहा कि देश में भाईचारा बना हुआ है, मगर जानबूझकर लोग हिंदू मुस्लिम वाली डिबेट्स करते हैं और माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। राहुल ने आरोप लगाया कि ये सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है। जरा सुनिए। इनके जो चैनल है ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, ये सच्चाई नहीं है भाइयों बहनों। मैं चला हूं कन्याकुमारी से यहां तक, ये सच्चाई नहीं है। ये मीडिया में चलाया जाता है, फैलाया जाता है। ये देश एक है। इन सड़कों पे लाखों लोगों से मिला हूं, सारे के सारे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, गले लगते हैं। इसके बाद राहुल गांधी भाजपा पर बोले। उन्होंने कहा कि मेरी छवि खराब करने के लिए बीजेपी ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं और अब भाजपा डर फैलाने का काम कर रही है। राहुल गांधी ने चीन का मुद्दा भी उठाया। आरोप लगाया कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर की जमीन को हथिया लिया है, इसलिए सरकार बार बार चीन से बात कर रही है। सुनिए। दुनिया में सच्चा मुकाबला चाइना और हिंदुस्तान के बीच में है, ठीक है। चाइना ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी जमीन ले ली है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे बॉर्डर के अंदर कोई नहीं आया, तो भैया प्रधानमंत्री जी अगर कोई नहीं आया तो हमारी सेना उनकी सेना के साथ 21 बार क्यों बात कर रही है? और हमारे जो सेना के लोग हैं, हमारे डिफेंस फोर्सेस के लोग हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी जमीन ले ली है? बात राहुल गांधी की हो रही है तो आपको भाजपा का इस पर जवाब भी सुनना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा ये सुनिए। बातों आप भूल गए, पूछ रहे हैं हमसे कि ये जमीन कब वापिस आएगी। हम आपसे पूछेंगे ये जमीन गई कब थी, जब नेहरू जी थे भारत के प्रधानमंत्री ना। अपनी इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी कई धार्मिक स्थलों का भी उन्होंने दौरा किया। लाल किले पर भाषण के बाद राहुल गांधी राजघाट गए, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को याद किया। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने एकता, भाईचारा और मोहब्बत का संदेश दिया है। राहुल गांधी ने पहले ही कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, और ये भारत जोड़ो यात्रा इस दिशा में आगे बढ़ती नजर आ रही है। यात्रा अभी ब्रेक पर है, जो कि 3 जनवरी को दोबारा से शुरू होगी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और देखते रहिए एबीपी लाइव।